हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पे मैं आज दो सिरेमिक कंपोनेंट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, वो एक से दिखने वाले कंपोनेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इनमें क्या अंतर है और हम कैसे पहचानेंगे इन दोनों को, और इनको मल्टीमीटर से हम कैसे चेक करेंगे कि ये सही है या खराब है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स अलग-अलग दिख रहे हैं। इसमें ये एमओवी है, मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर, और ये पीटीसी है, थर्मिस्टर्स, या पीटीसी या एनटीसी कह सकते हैं इसको। पीटीसी और एनटीसी जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो ये एमओवी जो होते हैं, ये सर्किट में पैरेलल लगे होते हैं, जहां से हमारी इनपुट सप्लाई आ रही होती है वहीं पे ये पैरेलल लगे होते हैं। तो हम इनको पैरेलल में देख के पहचान सकते हैं कि ये हमारा एमओवी या जेडओवी है, बैरिस्टर है, इसको बैरिस्टर भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब इसको हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं, तो मल्टीमीटर जो है हमारी, अगर हम कंटिन्यूटी मोड पे लगा लेते हैं, तो मल्टीमीटर अगर शॉर्ट होगा तो वीप देता है, ये हम जानते हैं, सभी जानते हैं। तो अगर हम एमओवी लेंगे, कोई भी एमओवी कंपोनेंट, अगर वो ठीक होगा तो हम उसको लगाएंगे दोनों उसके लेग्स में, तो कोई वीप नहीं आएगी। इसका मतलब हमारा बैरिस्टर जो है, मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर एमओवी, ये हमारा ठीक है। अगर ये फटा हुआ है तो ये खराब है, तब भी नहीं बताएगा। और अगर बिल्कुल कहीं से फटा नहीं है और इसको हम चेक कर रहे हैं और ये कोई रीडिंग नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब हमारा एमओवी सही है। ये सर्किट को प्रोटेक्ट करने के काम में आता है, प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। इसके सीरीज में एक फ्यूज लगाया जाता है, जब ये शॉर्ट होता है तो ये फ्यूज को उड़ा देता है, और खुद भी इसके अंदर जो कंपाउंड होता है वो कंपाउंड फ्यूज्ड हो जाता है, और इसकी दोनों ये लेग्स आपस में शॉर्ट हो जाती हैं। और ये ओवर वोल्टेज में ये सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। इसका एक वोल्टेज निश्चित होता है कि ये इतने वोल्टेज के ऊपर वोल्टेज जाएगा अगर हमारा इनपुट सप्लाई का, तो ये हमारे हमारे फ्यूज को उड़ा देगा खुद शॉर्ट होके, और हमारे सर्किट को, जो सेंसिटिव सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरीके का इसका वर्क होता है, और ये कई तरह के होते हैं, हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए, ये ग्रे कलर का है, यहाँ पे ये पीले कलर के हैं, येलो कलर के, ये ब्लू कलर के, ये ग्रीन कलर के, हरे कलर के, रेड कलर में भी आते हैं। तो ऐसे हम इनकी पहचान कर सकते हैं। अगर मल्टीमीटर में ये कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, वीप नहीं दे रहा है कंटिन्यूटी मोड पे, तो ये हमारा ठीक है। जबकि जो थर्मिस्टर है, ये थर्मिस्टर हमारा, अगर हम इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे, तो ये हमारा कंटिन्यूटी मोड पे वैल्यू देगा। इसका एक रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस शो करेगा मल्टीमीटर से, अगर हम इसको चेक करेंगे दोनों इसकी लेग्स। और अगर ये खराब होगा तो ये कोई वैल्यू नहीं देगा। तो यहाँ पे जैसा कि ये इस कंपोनेंट में लिखा हुआ भी है एनटीसी, इसी प्रकार से इसमें भी एमओवी या वीडी या टीएनआर या जेडओवी लिखा होता है कंपोनेंट में। जो वेरिस्टर होते हैं, एमओवी होते हैं, इनमें लिखा होता है एमओवी, जेडओवी, वीडीई या टीएनआर। तो ये बात आती है थर्मिस्टर्स की। तो थर्मिस्टर्स में एनटीसी और पीटीसी, दो तरह के थर्मिस्टर्स होते हैं, और ये दोनों ही हम जब चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूटी मोड पे वीप देंगे, और वीप देने का मतलब है कि ये हमारे सही है। तो इस तरीके से हम इनको मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। और दोनों का जो वर्क है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। क्या होता है कि इसमें अगर हम इसको हीट करते हैं, या ये हम एटमॉस्फेरिक हीट हो, इसके सराउंडिंग की हीट हो, या इसको ओवर वोल्टेज के कारण ये हीट होके गर्म हो, तो दोनों कंडीशंस में पीटीसी का रेजिस्टेंस बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये
जो सर्किट होता है उस सर्किट में, किसी भी एसएमपीएस सर्किट में ये सीरीज में लगे होते हैं, जबकि एमओबी पैरेलल लगा होता है। तो ये सीरीज में लगा होगा, और सीरीज में ये इसलिए लगाया जाता है कि ये उस सर्किट में जो हमारा करंट है, करंट को कांस्टेंट करे, कांस्टेंट करंट फ्लो हो उसमें, ओवर करंट फ्लो ना हो, ओवर एम्पियर्स फ्लो ना हो, और हमारा सर्किट प्रोटेक्ट रहे। अगर टेम्परेचर इसका बढ़ता है, अगर सराउंडिंग का, तो ये एम्पियर गिरा देता है, और अगर टेम्परेचर घटता है तो ये एम्पियर बढ़ा देता है। जस्ट इसके अपोजिट एनटीसी का वर्क जस्ट अपोजिट है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस इसका कम हो जाता है, और अगर टेम्परेचर घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जस्ट अपोजिट इसका वर्क होता है। और ये दोनों कंपोनेंट जो एनटीसी पीटीसी है, इनका जो फंक्शन है, जिस तरीके से ये सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं, इसी तरीके से ये भी सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये सर्किट के अलावा भी ये वो प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं, जैसे मोटर स्टार्टिंग सर्किट में या स्मॉल हीटर्स में इनका उपयोग होता है। जो ये हमारे पीटीसी होते हैं, इनका मोटर स्टार्टिंग सर्किट में या स्मॉल हीटर्स में प्रयोग होता है, जबकि एनटीसी का जो प्रयोग होता है, एनटीसी हमारा ये निगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट होता है, ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशेंट होता है। एनटीसी का प्रयोग हम फायर अलार्म में करते हैं, मोबाइल फोन के चार्जर्स में करते हैं, मोबाइल फोन में भी करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में, हेयर ड्रायर में, मोटर टेम्परेचर मेजरमेंट, ओवर टेम्परेचर ना जाए, मोटर का हमारा कट हो जाए, या लेजर डायोड या फोटो एलिमेंट, बहुत सारे इसके प्रयोग होते हैं, वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पीटीसी का प्रयोग हम सीएफएल की सर्किट्स में करते हैं, जैसे सीएफएल ज्यादा वाट की जो सीएफएल्स आती हैं, 65 वाट की सीएफएल आती है, उसमें पीटीसी का प्रयोग किया जाता है। ये कांस्टेंट करंट देता है, जिससे कि हमारा जो उसमें सीएफएल में जो एलिमेंट लगा होता है, एलिमेंट ओवर एम्पियर जाने के कारण फ्यूज ना हो। तो इस तरीके से आपको दोनों चीजों के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा। और अगर अब भी कोई दिक्कत महसूस हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। और मुझे आप सजेस्ट कीजिए कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स पे वीडियो बना के आपके सामने रखूं। तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।